मैं मोहम्मद अजीम शेख वार्ड नंबर 14 से इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश करता हूं। उसे स्टैंड करना होगा, उसे अपने पैरों पे खड़ा करना होगा ताकि वो किसी के आगे हाथ ना फैलाए। जलाओ वही जहां जरूरत हो, जलाओ वही जहां जरूरत हो। उजालों में चिरागों की कोई अहमियत नहीं होती। आज आप लोगों को चलना है, आज आप लोगों को जागना है, अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है। अगर अजीम को टिकट दी जाएगी तो आप लोग जीता गिलाने की जिम्मेदारी लेते हैं? आप उठो देखेंगे, क्योंकि जिताने वाले आप हैं। नौजवान सोशल एक्टिविस्ट जनाब अजीम शेख को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कॉरपोरेशन इलेक्शन के लिए वार्ड नंबर 14 से टिकट दी गई है। वार्ड नंबर 14 नौशीन कॉलोनी में ज्वाइनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर अजीम शेख के साथ मोहल्ले के नौजवानों ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार कर ली है। ज्वाइनिंग प्रोग्राम में शामिल तमाम नौजवान बुजुर्ग और ख्वातिनों ने इस बार कॉरपोरेशन इलेक्शन में अजीम शेख को सपोर्ट करने का वादा किया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से टिकट मिलने के बाद अजीम शेख के साथ मोहल्ले के नौजवानों ने बाइक रैली कर खुशी का इजहार किया है। आज वार्ड नंबर 14 नौशीन कॉलोनी में जमा होने का मकसद, मैं समझता हूं सभी जानते हैं, कॉर्पोरेशन इलेक्शन के ताल्लुक से आप लोगों को बताता चलूं, जो हमारे माइंड में जो बिठाया गया है वो है रोड, नाली, नल, पीने का साफ पानी। ये तीन बेसिक जरूरत के लिए भी हमें उनके घरों तक जाना पड़ता है जो अब तक कॉर्पोरेटर जिताए गए हैं, तो भी हमें चार जरूरत की चीजें पूरी नहीं होती। इसको हटकर कॉर्पोरेटर का जो काम है, जो मैनेजर्स के फंड आते हैं जिसमें सब्सिडी होती है 40%, 60%, वो लोगों को पहुंचाना, ये उसका सबसे बड़ा काम है। सब्सिडी यानी कि अगर आपको 1,00,000 रुपए का लोन दिलाया जाता है तो उसमें आपको रिटर्न में सिर्फ 50,000 देने होते हैं। ये सारे ऐसे बेनिफिट से हमें महरूम किया जाता है, इसीलिए हमारे जो गरीब तबका है, जो डेली बेसिस पे काम करने वाले हैं, वो इधर उधर ब्याज से पैसे उठाना पड़ता है। अभी आप लोगों ने देखा कोविड-19 की महामारी आई, लोग भूख से तरसे, अनाज से तरसे, पर वो जो बेनिफिट दिलाना था वो भी हम तक नहीं दिया गया। कांग्रेस के जो लीडर्स है इस बार के गवर्नमेंट इलेक्शन में, मैं देख रहा हूं जो पैकेट आते हैं, जो गवर्नमेंट से जो पैकेट आते हैं यदुल्ला कॉलोनी में, मिजगोरी में, वो गवर्नमेंट के पैकेट खुद तकसीम कर रहे हैं, जबकि वो लेबर कार्ड के ऊपर आए हैं। एक टाइम का खाना, 5 किलो चावल, 1 किलो तेल देने से गरीब की भूख नहीं मरती। उसे स्टैंड करना होगा, उसे अपने पैरों पर खड़ा करना होगा ताकि वो किसी के आगे हाथ ना फैलाए। वो कब होगा? जब हम एक ईमानदार जमीन से जुड़े हुए लीडर को अगर हम चुनकर भेजेंगे तो तब आपके काम होंगे। मैं मोहम्मद अजीम शेख वार्ड नंबर 14 से इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश करता हूं। मैं जमीन से जुड़े हुए लोग हूं, आप सभी जानते हैं, इसी टाइम के कोविड-19 में जो भाई बाप की लाश को हाथ नहीं लगा रहा था, जो बेटा अपने बाप की लाश को हाथ नहीं लगा रहा था, वैसे टाइम पे मेरे पास यहां पे मौजूद है इकबाल, जो कि मैं यहां पे बुलाना चाहूंगा। ऑटो एम्बुलेंस चला करिए मेरा भाई, वैसे बीमार को अपने आटू में डालकर उनके घर तक लाश को पहुंचाने का भी काम किया है, और बहुत सारे लोगों को हमारे कहने पर बीमार को हॉस्पिटल पहुंचाने का भी काम किया है, और सिलेंडर भी जरूरतमंद के घर तक पहुंचाने को काम किया है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन में आवाज उठाई कि भाई गुलबर्गा शहर में एम्बुलेंस की कमी है, आप एम्बुलेंस दो। उन्होंने कहा कमी नहीं है। फिर हमने डिसाइड किया, इलियास फैज साहब से बात की, डब्ल्यू खान साहब से बात की, फिर हमने फ्री ऑटो एम्बुलेंस की सर्विस चलाई, तो तब कॉर्पोरेशन की आग जाती है, वो लोग पीछे ऑटो एम्बुलेंस फ्री चालू करने पे मजबूर हो जाते हैं। इस तरीके के काम बगैर पावर में रहते हुए हम लोगों ने कर दिखाया है। तो मैं काफी वक्त हो चुका है, मेरे बहन मेरे माए बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मैं सबसे पहले माफी चाहता हूं आप लोगों का, काफी टाइम मैंने ले लिया। मुख्तसर अंदाज में मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, एक शेर के साथ आप लोगों को उजागर करता हूं। जलाओ वही जहां जरूरत
उजालों में चिरागों की कोई अहमियत नहीं होती। आज आप लोगों को चलना है, आज आप लोगों को जागना है, अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है। आप लोग इंतजार कर रहे हैं क्योंकि और एक जी का प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम खत्म करके आने में जो है थोड़ा लेट हो गया क्योंकि वार्ड नंबर 18 में थे हम लोग, वहाँ पे भी टिकट का डिमांड था कि कुरैश बिरादरी को टिकट की ख्वाहिश की जा रही थी वार्ड नंबर 18 के लोगों की, तो वहाँ पे भी जो है और भी कुछ और भी एस्पिरेंट्स थे, तकरीबन 3-4 एस्पिरेंट्स थे वहाँ पर, लेकिन पे जो है हम कुरैश बिरादरी के जनाब मजीद साहब कुरैशी को वहाँ टिकट दे के अभी आ रहे हैं हम वहाँ से। और अभी आपका ये एरिया वार्ड नंबर 14 है, जमजम कॉलोनी, जुबैर कॉलोनी, बुलंद प्रवास कॉलोनी, ये तकरीबन ये हिस्सा पूरा आप वार्ड नंबर 14 में आता है। अब यहाँ से भी जनाब अजीम साहब जो है इनकी ख्वाहिश है कि भी मैं MIM से इलेक्शन लड़ूँ, लेकिन उम्मीद रखो आप इंशाल्लाह मेरा वोट जो है अजीम की तरफ ही है और उम्मीद है मुझे अजीम को टिकट दी जाएगी। अगर अजीम को टिकट दी जाएगी तो आप लोग जीता गिलाने की जिम्मेदारी लेते हैं, जरा हाथ उठाओ देखेंगे, जरा फोटो ले उठो सबके, क्योंकि जिताने वाले आप हैं, जिताने वाला मैं नहीं हूं, मैं टिकट देने वाला हूं, जिताना जिम्मेदारी आपकी है। क्या मेरी माँ और बहनों, माशाल्लाह 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 बहुत जबरदस्त, इंशाल्लाह टिकट दूंगा तो जरूर अजीम जीतेंगे इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह, क्योंकि तब्दीली लाना ज़रूरी है आपके पास भी। इस बार हम एकदम हट के काम करेंगे इंशाल्लाह। आप बोलेंगे कि ऐसा भी कारपोरेटर होता है क्या, हम तो नहीं सोचे थे ऐसा भी कारपोरेटर होगा क्या। हमारे जितने भी कारपोरेटर बनेंगे इंशाल्लाह कोई लालची नहीं रहेगा, कोई ऐसा गलत काम करने वाला नहीं रहेगा, सब अच्छा काम करेंगे, खिदमत का जज्बा रखेंगे, क्योंकि रोजी रोटी देने वाला अल्लाह है। हमको ये यकीन होना चाहिए क्योंकि हम मरना है, खबर में जाना है, आखिरत में जवाब देना है। मेरी खबर में आप कोई नहीं आते, मैं अकेला जवाब दे रहूँगा, हर एक की खबर में अपने को जवाब देना है। ईमानदारी ज़रूरी है, अगर ईमानदारी ख़त्म हो जाएगी सियासत में, अगर पैसे का चलेगा एक दिन याद रखो बहुत बड़ा बुरी तरीके से हम जलील हो जाएंगे पूरे के। बहुत दिन ज़्यादा उम्र नहीं रहती झूठ की धोखे की, बहुत छोटी उम्र रहती, झूठ बहुत दिन नहीं चलता, धोखा बहुत दिन नहीं चलता, मक्कारी बहुत दिन नहीं चलती, बहुत थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाते, लेकिन ईमानदारी सच्चाई हमेशा रहती, मगर स्लो तरक्की रहती लेकिन मजबूती की तरक्की रहती, और इसी के अंदर अल्लाह खैर व बरकत देता है। तो इंशाल्लाह हमारे ऐसा अजम इरादे मेरे जो दिल में थी वो बात आपके सामने रखा हूँ। इंशाल्लाह एक घंटे में अजीम साहब आप घर पर आ जाइए, मैं आपको कॉल करता हूँ इंशाल्लाह, जो है दुआ करो अजीम के लिए टिकट हो जाए इंशाल्लाह। अजीम को मैं एक ज़माने से जानता हूँ, अजीम है, इनके भाई वसीम है, अच्छे हमारे ताल्लुक हैं, लेकिन अलग अलग जमात में थे हम, उन्होंने अलग पार्टी में थे, हम अलग पार्टी में थे। दुआ करो हम दोनों एक ही पार्टी में रहें, एक साथ काम करें, ठीक है ना भाई। हाँ तो बस इतना कहते हुए मेरी बात ख़त्म करता हूँ।